बहुत बहुत बधाई आपको इशिता जी। आइए चलते हैं वहां। बहुत बहुत बधाई आपको इशिता जी। हम जब वहां खड़े थे आप हमको देख के मुस्कुरा रही थी। हमने कहा आज बहुत अच्छा दिन गुजरने वाला है हमारा। बहुत बहुत बधाई आपको इशिता जी। थैंक यू सो मच। और इसी तरह आप खिलती रहिए, हंसती रहिए। एक बार फिर से जोरदार तालियां इशिता जी। देवियों सज्जनों, मेरे सामने इस हफ्ते की पहली खिलाड़ी हॉट सीट पर बैठ गई हैं, जिनका नाम है इशिता मेर। इशिता जी राजकोट में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में बतौर मामलातदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्यरत है। इनका मानना है कि सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में होना बहुत आवश्यक है। ऐसा क्यों सोचा आपने इशिता जी? मैं जब स्कूल में थी और संडे होता था, हॉलीडे होता था, तो घर पे सब लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, मैं बैठ के पढ़ती थी। फिर न्यूज़ में देखते हैं कि करप्शन बहुत है, क्राइम रेट बढ़ रहा है और इस देश का कुछ हो नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं रहा। लेकिन मुझे ये हमेशा से लगता था कि किसी को ये सूझ क्यों नहीं रहा है कि आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम का पार्ट बनना ज़रूरी है। तो तभी से मुझे ये था कि मुझे ऐसा ही कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं आके अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ चेंज करने के लिए, वो मुझे करना था। वाह, बहुत खूब, बड़े ऊंचे ख्यालात आपके। थैंक यू। ये जो आपकी पदवी है मामलतदार, ये क्या होते हैं, क्या करते हैं? सर, जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर होता है वो हेड है फॉर एवरीथिंग। जी जी। तो तालुका में मामलतदार हेड होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में जो भी फंक्शंस एक कलेक्टर के है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो फंक्शंस, हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है, लैंड मैटर्स आ जाती है, रेवेन्यू फंक्शंस आ जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है, सब कुछ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं इशिता जी। थैंक यू सर। इसी तरह मुस्कुराते रहिएगा। पहला प्रश्न आ रहा है, ₹1,000। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले एक धारावाहिक का नाम है? टेलीविजन वगैरह तो देखती होंगी। हाँ सर, कभी 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 कभी। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। हाँ। ए CBI, बी CID, CIB या डी RAW रॉ। सर बी CID। BCID? Yes, sure है? ताला लगा दें? हाँ, BCID पे ताला लगा जाए। सही उत्तर है आपका, 1,000 जीते। अपराध वह जासूसी शैली पर आधारित CID सोनी चैनल पर प्रसारित होने वाला एक धारावाहिक है, जिसे भारत का सबसे लंबे समय तक लगातार चलने वाला धारावाहिक होने का श्रेय प्राप्त है। सबसे ज्यादा चला है वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, ₹3,000। इशिता जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऊंची दुकान फीके पकवान मुहावरे का अर्थ इनमें से किस मुहावरे के अर्थ जैसा ही है? Which of these proverbs has the same meaning as the proverb ऊंची दुकान फीके पकवान? ऑप्शन सुनिए। ए नाम बड़े और दर्शन छोटे, बी जैसी करनी वैसी भरनी, सी जैसा राजा वैसी प्रजा, या डी आप भले तो जग भले। सर ए नाम बड़े और दर्शन छोटे। शोर है? हाँ सर। ताला लगाने लायक? ताला। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ए। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका, 3,000 आपकी जेब में पहुंच गया। इन दोनों मुहावरों का अर्थ है प्रसिद्धि के अनुसार काम न होना, प्रसिद्धि के अनुसार काम न होना। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न तक। खेल का पहला पड़ाव, ₹10,000 इसके लिए मिलेंगे और उसे पाने के लिए आपको इस अगले प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से किसका अगला संस्करण वर्ष 2021 में होगा, 2021 में होगा? नेक्स्ट एडिशन ऑफ विच ऑफ दीज विल बी हेल्ड इन 2021 इन इंडिया।
ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बी सेंसस ऑफ इंडिया, सी लोकसभा इलेक्शन या डी राज्यसभा इलेक्शन। राष्ट्रपति चुनाव, भारत की जनगणना, लोकसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव। 2021 सर, बी सेंसस ऑफ इंडिया। बी सेंसस ऑफ इंडिया, श्योर है? यस। फाइनल उत्तर आपका? यस। ताला लगा दिया जाए? यस, ताला। सेंसस ऑफ इंडिया, बी, ताला लगाया जाए। थोड़ा सोच विचार करके आपने जवाब दिया। सर 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था, तो 10 वर्ष के बाद एक और होता है। बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल प्लेड इशिता जी। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पर, इसका मूल्य है 40,000। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किस प्रसिद्ध विद्युत कार कंपनी का नाम एक महान वैज्ञानिक और आविष्कारक के नाम पर रखा गया है? Which famous electric car company is named after a great inventor and a scientist? Options A, Fiat, B, Toyota, C, Tesla या D, Chevrolet। सर सी टेस्ला। श्योर? यस। ताला लगाने लायक? यस। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल। ओके, सी टेस्ला पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। अमेरिकन कार कंपनी टेस्ला मोटर्स का नाम सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया है। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क, सीईओ, उनका भी नाम सुना होगा, बहुत ही प्रख्यात इंसान और बहुत सारे आविष्कार ये कंपनी कर रही है। नवा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए, रेडी? नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। १९१० में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में स्थित अपनी कॉलोनी या आश्रम का नाम महात्मा गांधी ने किस लेखक के सम्मान में रखा था? इन विच ऑथर्स ऑनर डिड महात्मा गांधी नेम हिज कॉलोनी और आश्रम इन 1910 इन ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका? ए मैक्सिम गोर्की, बी वोल्टेयर, सी कार्ल मार्क्स या डी लियो टॉल्स्टॉय। सर डी लियो टॉल्स्टॉय। श्योर है? यस। yes, बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। सर पढ़ा है। पढ़ा था आपने? हाँ। फाइनल उत्तर बताइए। यस सर, डी लियो टॉल्स्टॉय। डी लियो टॉल्स्टॉय पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 1,60,000 दिख गया। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। दसवां प्रश्न है, ध्यान रहे इशिता जी कि अब की दो लाइफलाइन चली गई हैं, केवल दो बाकी बची हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कभी उनका उपयोग न करना पड़े। दसवां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस जीव को पहचानिए। ओहो, एक तस्वीर आपको अभी हम दिखाएंगे और आपको बताना है कि ये कौन सा जीव है। आमतौर पर जितने भी तस्वीर आते हैं इतने भयानक होते हैं कि हम डर जाते हैं। कैन वी हैव दैट पिक्चर प्लीज? अरे बाप रे बाप, देख लिया फोटो? हाँ सर। अब ऑप्शंस देखिए, ए पेंगोलिन, बी हेजहॉग, सी श्रू या डी वॉम्बैट। दो लाइफलाइन है अगर कष्ट हो रहा हो आपको। सर आई टेक एक्सपर्ट्स एडवाइस। शांत हो जाए कंप्यूटर जी। इशिता जी एक और लाइफलाइन लेंगी और उन्हें कहा कि वो एक्सपर्ट एडवाइस चाह रही हैं। तो इसको पहले तो आप अंकित कीजिए एक्सपर्ट एडवाइस को। और निशांत जी आपकी बारी बहुत जल्दी आ गई है, प्रकट होइए और उद्धार कीजिए इशिता जी का। आप के सामने तस्वीर आ गई होगी और हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि इस जीव को पहचानिए। आपके सामने है चार ऑप्शंस, ए पेंगोलिन, बी हेजहॉग, सी श्रू या डी वॉम्बैट। सर इसका राइट आंसर है पेंगोलिन। पेंगोलिन,
और ये एक ऐसा जीव होता है जिसकी जो जुबान होती है, जो टंग होती है, वो बहुत लंबी होती है। बताया जाता है ये काफी सेंटीमीटर लंबी होती है और बड़ी स्टिकी सी होती है जी। तो राइट आंसर पैंगोलिन है। ओके सर, श्योर सर, 100% श्योर। थैंक यू। क्या करना चाहेंगे आप इशिता? आई विल गो विद ए पैंगोलिन। निशान जी के साथ जाएंगी? हाँ। वो कह रहे हैं पैंगोलिन ए। हाँ सर, फाइनल उत्तर आपका पैंगोलिन ए। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। निशान जी बिल्कुल सही है, वाह क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निशान जी, आपने इशिता जी की मदद की और इन्हें जितवा दिए हैं 3,20,000 रुपए। इंडियन पैंगोलिन इज अ लार्ज एंट ईटर कवर्ड डॉर्सली By 11 to 13 rows of scales. Anteater के जैसा दिख रहा तो I knew कि काफी similar है, लेकिन confusion था फिर। जी जी, ऐसा मानना गलत है कि वो खतरनाक होते हैं, वो चींटी उटी खा लेते हैं बस। ओके, 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, 3,20,000 रुपए जीत गए हैं। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया, ताली बज जाने चाहिए इनके लिए क्योंकि अब आएगा इनके नाम का एक चेक। 3,20,000 रुपए का चेक इशिता जी, बहुत बहुत बधाई आपको।